सो हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? आई होप सो यू ऑल आर वेरी मच फाइन एंड वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग 10th के हिंदी सब्जेक्ट देखने वाले हैं। 10th का हिंदी सब्जेक्ट, उसमें जो स्टेट बोर्ड का है, उसमें जो लक्ष्मी करके लेसन है, तो वो आज लेसन को हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी ईजी सिंपल, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट भी। तो वैसा ये लेसन है, लेसन इज ऑल अबाउट। लेसन एक्चुअली क्या है? तो लक्ष्मी एक गाय रहती है, और गाय के बारे में इसमें हमें बताया गया कि गाय अपने आप में कैसे सोचती है, वो कैसे रिएक्ट करती है, बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और बाकी लोग उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसकी ज़रूरत होने तक उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तब उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, यही इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद आवर लेसन। सो आई एम शुभम, योर हिंदी मेंटर। विल स्टार्ट विद द लेसन लक्ष्मी। तो लेसन की शुरुआत ऐसे होती है कि करामत अली जो उस गाय को संभालते हैं, उनका जो लड़का रहता है रहमान, वो एक दिन गुस्से में आता है और गाय के ऊपर 4 डंडे बरसा देता है, और उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है। और गाय का स्वभाव इस बारे में ऐसा था कि जब भी उसके पास कोई जाता तो वो काफ़ी ज़्यादा उछलती कूदती रहती थी, उसे अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुशी होती थी कि कोई मुझे मिलने आया है करके। तो ये चीज़ होने के बाद करामत अली कुछ अस्वस्थ थे, उन दिनों वो कुछ थोड़े अस्वस्थ थे, बीमार थे, तो इसके लिए उन्हें इस बात का पता नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलता है तो वो कैसे वैसे उस चारपाई से उठते हैं, चारपाई से जहाँ पे वो सोए हुए थे वो चारपाई से उठते हैं और सीधा बथान में जाते हैं जहाँ पे गाय को एक खूंटे से बांधा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो गाय को जाके मिलते हैं, तभी वो गाय को देखते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँची, उसको इंजुरी हुई है, उसको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचा है। तो ये सब सोच के, वो सुन के वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो वो सबसे पहले उसके ऊपर हाथ घुमाते हैं, उसको सराहते हैं, उसको काफ़ी अच्छे से प्रेम करते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा फील करने लगती है, बेटर फील करने लगती है। और तभी रमज़ानी वहाँ पे आती है, और रमज़ानी कहती है कि ये लीजिए, इसे रोगन लगा दीजिए, थोड़ा सा इसे आराम मिलेगा। तभी उसे करामत अली कहते हैं कि अगर तुम्हारे रहमान को भी ऐसे 4 डंडे बरसा दिए, तब उसे पता चलेगा कि असल दुख क्या होता है, ये चोट लगने का घाव क्या होता है करके। तो ये सारी चीज़ें होती है, ऐसे ही 10-15 दिन निकल जाते हैं। फिर करामत अली कारखाने जाने के लिए निकले हुए रहते हैं, तभी रमज़ानी उन्हें पूछती है कि इस गाय का क्या करना है, ये गाय तो बिल्कुल भी अभी दूध नहीं देती, क्या उसे ऐसे ही हम लोग चारा वगैरह सब खिलाते रहेंगे, ऐसे ही उसे पिलाते रहेंगे, तो क्या ऐसे फुकट में पालेंगे? तो ये सारी चीज़ें ऐसे वो कहने लगी। तो करामत अली ने कहा, हाँ अभी जानवर है तो हमें ये सारी चीज़ें तो करनी होगी, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो इतना कहकर वो अपने कारखाने की ओर निकल जाते हैं, और कारखाने में जाते जाते वो एक ही बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ ये तो सच में टेंशन वाली बात है कि अभी ये सब कुछ देती नहीं है, तो उसको ऐसे फुकट का कैसे हम लोग खिलाते पिलाते रहेंगे काफ़ी, क्योंकि हमें भी हमारा घर चलाना रहता है, उसे नहीं तो भी 300-350 रुपया तो दिन हर महीने का खर्चा चला आता है। ठीक है, तो अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे उसे फुकट में पालेंगे, उसे फुकट में हम लोग कैसे चारा वारा खिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती है जाते जाते। तभी उनके माइंड में ख्याल आता है, उनके दिमाग में ख्याल आता है कि ये जो गाय मुझे मिली है वो ज्ञान सिंह से मिली है, और ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का काफ़ी शौक था, और ज्ञान सिंह ये लेखक करामत अली के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जब भी वो कारखाने में जाते थे तो करामत अली एक साथ जाते थे, कारखाने से आते वक्त एक साथ आते थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ज्ञान सिंह है वो उनके पड़ोसी भी थे। तो ये सारी बातें थी। तो ज्ञान सिंह ने क्या किया था, 3 बरस पहले एक जर्सी गाय खरीदी थी और उसका नाम ही उन्होंने लक्ष्मी रखा था। तो 3 साल उन्होंने उसे काफ़ी अच्छे से पाला था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें कारखाने से अवकाश पाने की ज़रूरत आ गई। तो कारखाने से वो दूर जा रहे थे, तो कारखाने का मकान उन्हें खाली करके देना था। तो तभी सवाल सिर्फ एक ही चीज़ का था, वो लक्ष्मी का था। तो इसीलिए उन्होंने करामत अली को पूछा कि देखिए मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं लक्ष्मी को नहीं रख सकता मेरे साथ में, तो क्या आप उसे संभालोगे? तो इसके ऊपर करामत अली ने हाँ करके जवाब दिया और उसे खुशी खुशी से वहाँ पे संभाल लिया। और जब भी उसे करामत अली ने लिया था तभी लक्ष्मी इतना अच्छे से और इतना ज़्यादा दूध देती थी कि उनकी घर की ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी जो बचा हुआ दूध रहता था वो गली में बांट दिया जाता था, यानी कि पड़ोसी लोगों को भी वो दिया जाता था, इतना ज़्यादा वो
दूध दिया करती थी, तो इसीलिए उन्होंने उसे पालने के लिए रखा था। तो तभी उन्हें ख्याल आया कि अगर मैं इसे कहीं छोड़ दूँ, कहीं बेच दूँ, तो ये शायद से ज्ञान सिंह के बाद, ज्ञान सिंह को अगर ये बात पता चली तो शायद उसे दुख होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी कारण करामत अली तभी कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। फिर उसके बाद को उसे चारा देना रहता है, उसे खाने के लिए देना रहता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। तभी वो उनके वाइफ से कुछ पैसा मांगते हैं कि अगर कुछ रहेगा तो दे दिए, इसका मैं राशन पानी लेके आता हूँ। तभी जो उनकी वाइफ रहती है, उनकी धर्मपत्नी रहती है, वो सीधा क्या करती है, कुछ 20 रुपये निकालती है, उन्हें दे देती है और उन्हें कहती है ये देखो राशन के लिए मैंने रखे थे, इतनी ही है, इससे देखो इसका राशन आता है तो लेके आ जाओ करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो 20 रुपया मिल रहा है तो कम से कम ये इसके 2-3 दिन तो आराम से निकल जाएंगे। तो ये ऐसी सारी बातें होती रहती हैं। और एक इंसिडेंट ऐसे होता है कि जब वो जाती है, जब करामत अली कारखाने में जाते हैं, तो कारखाने में जाने के बाद घर में उसे कुछ चारा वगैरह खिलाना रहता है, लेकिन जब वो कारखाने से वापस आते हैं तो उस लक्ष्मी को किसी ने अभी तक कुछ खिलाया हुआ नहीं रहता है। तो तभी वो कहती है कि रमज़ानी तभी कहती है कि मैंने रहमान को तो बोला था उसे खाना खिलाने के लिए, शायद उसने नहीं खिलाया। तो तभी उसे ये कहते हैं कि अगर शायद तुम दोनों के मन में होता तो अभी तक वो खाना खा चुकी होती, अभी तक उसे चारा और दर्रा मिल चुका होता। तो इसके लिए वो उस तरीके का उनके साथ बिहेव करते हैं। तो फिर करामत अली को कारखाने में एक सुझाव आता है, उनके जो फ्रेंड रहते हैं नईम करके, उनके दोस्त रहते हैं, तो वो करामत अली को कहते हैं कि आप एक काम करो, इसमें इतना ज़्यादा क्या टेंशन लेना कि अगर वो दूध नहीं देती तो उसे पालते रहने में कोई अच्छी बात नहीं, आप उसे काम करो, उसे बेच दो, ठीक है। तो उसे बेच देंगे तो वो अपनी अपनी सही से रह लेगी, जो भी उसको खरीद लेगा उसके पास में। तो इसीलिए वो बेचने का उन्हें ऑप्शन अच्छा लगता है, और उसे वो उसे सोचने लगते हैं कि कैसे इसे बेचना है, कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती है, उनके दिमाग में चलती रहती है ये सारी चीज़ें। तो तभी उनकी जो वाइफ है, धर्मपत्नी है रमज़ानी, वो कहते हैं कि रहमान ने एक को मिलने बुलाया है, वो जो गाय को खरीदने के लिए तैयार है। तो जब वो कारखाने से लौटते हैं, करामत अली जब कारखाने से लौटते हैं, तो वो इंसान वहाँ पे आता है उन्हें मिलने के लिए, और करामत अली उस इंसान को पहले से जानते रहते हैं, बिकॉज उन्हें पता रहता है कि उनका क्या धंधा है, ठीक है, वो किस तरीके का बिजनेस, प्राणियों का किस तरीके का वो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, ये इन्हें पता था। तो करामत अली उन्हें देखते ही पहचान जाता है, और करामत अली पूछते हैं कि आप क्या इसे खरीदोगे, तो वो बोलते हैं हाँ मैं इसे खरीदने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे, करामत अली उन्हें कहते हैं कि हाँ मुझे आपका जो व्यापार है वो अच्छी तरीके से पता है, आपका धंधा मुझे आपके तरीके से पता है, अच्छी तरीके से पता है, तो फिर मैं आपको ये गाय नहीं बेचना चाहता। तो फिर वो वहाँ से निकल जाते, वो जो एक इंसान आए थे वो वहाँ से निकल जाते। तभी उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी उन्हें पूछती है कि क्या ये सही बात है, ऐसे किसी मेहमान को दरवाजे से बाहर भगा देना, क्या ये सही बात है? तो तभी करामत अली उन्हें कहते हैं कि शायद आपको ये पता नहीं है कि ये जो इंसान है ये इसको खरीदेगा, फिर कहीं जाके बेचेगा, और जहाँ उसे बेचेगा वो लोग इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे ख़त्म कर देंगे, यानी कि इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। तो ये बात शायद मेरे दोस्त को अच्छी नहीं लगेगी, तो इसके लिए करामत अली उसे बेचने के लिए तैयार नहीं होते। तो करामत अली हमेशा एक ही चीज़ सोचते रहते हैं कि इस तरीके से उसको रखना ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ऐसे ही उसे खाना खिलाते रहना, उसे चारा खिलाते रहना, दर्रा खिलाते रहना। तो उस रात को वो करामत अली काफ़ी जल्दी सोते, काफ़ी लेट उठते, काफ़ी ज़्यादा वो सोच में पड़े रहते। आखिरकार वो ऐसा करते हैं कि सुबह सुबह उठ के गाय का वो खूंटा खोल देते हैं और उस गाय को लेके चले जाते हैं, क्योंकि तभी उनके दिमाग में एक ऐसी सोच आती है, क्योंकि रमज़ानी और रहमान ने ऐसे किया था एक दिन जब वो कारखाने चले गए थे, तब उन्होंने, रहमान ने एक ऐसा काम किया था कि उसके खूंटे खोल दिए थे और उसको कहीं दूर छोड़ के आया था कि उसको लगा यहाँ पे जाके वो चारा वगैरह अपना खा लेगी और अपने आप वहाँ पे रह लेगी, लेकिन तभी गाय उनके पास वापस आ जाती है, और गाय वापस आने के बाद ऐसा हो जाता है कि उन्हें शॉक लग जाता है कि मतलब गाय यहाँ तक वापस आई कैसे। तो उन्हें एक इंसान उस गाय को वापस लेके आता है, रहमान और रमज़ानी के पास में, और उन्हें कहता है कि क्या ये आपकी गाय है? तो रमज़ानी कहती है हाँ ये मेरी गाय है, यानी कि दोनों भी, रहमान और रमज़ानी, उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी, करामत अली को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, इस तरीके का
रानियों से दुर्व्यवहार करना। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, सुबह उसको निकालते हैं और उसे कहते हैं कि चल चल लक्ष्मी, मैं तुझे गौशाला में छोड़ के आता हूँ, तू गौशाला में अच्छे से रहना, वहाँ पे तुझे कोई तंग नहीं करेगा, वहाँ पे तेरे खाने की कोई हालत नहीं होगी, अब तो तू बूढ़ी हो चुकी है तो शायद वहाँ पे तेरी काफ़ी अच्छे से फिक्र की जाएगी, तेरी देखभाल काफ़ी अच्छे से की जाएगी। तो ये करते समय करामत अली का जो मन है वो उसके लिए तैयार नहीं होता है। जब वो लक्ष्मी को लेते जाते रहते हैं तभी खुद इतने धीरे धीरे चलते हैं और लक्ष्मी को कहते हैं कि आप चलो जल्दी 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 चलो, तेज़ी से चलो, और खुद एकदम धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि उनका मन नहीं करता था कि लक्ष्मी को मैं क्या करूँ, किसी और के यहाँ पे छोड़ के आओ। तो इस तरीके का एक लक्ष्मी का मनोगत और करामत अली का मनोगत इस लेसन में लेखक ने बताने की कोशिश की है। तो काफ़ी अच्छा लेसन है ये, जो लेसन है ये लेसन की मैंने स्टोरी जो है वो काफ़ी शॉर्ट में आपको बताई है। इस लेसन को अगर इन डिटेल में पढ़ोगे तो आपको और सारी चीज़ें क्लियर होगी, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिखे हुए हैं, तो डायलॉग्स को कवर करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए आप स्टोरीज़ को पढ़ो, स्टोरीज़ को देखो, उसके अंदर के वोकैबुलरीज़ को देखो जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी जब आप कुछ साहित्य या फिर और कुछ चीज़ हिंदी में लिख रहे होंगे तो, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझा होगा, अगर नहीं समझा, कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम लोग वापस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।